सकते हैं और उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि अब माँ तुमको समर्पित होते हैं, माने क्या समर्पण किया मुझे, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, किस चीज़ को आप समर्पित कर रहे हैं? सोचिए कौन सी बात है जिसे आप मेरे और समर्पित कर रहे हैं? आप समर्पित कर रहे हैं यही जो बनाए हुए बेड़े हैं आपके, यही जो घरौंदे जिसमें आप बैठे हुए हैं, यही जो अपने अपने जिसे कहते हैं जेल बनाए हुए हैं, जिस जेल के अंदर आप बड़े व्यवस्थित रूप से सोच रहे हैं कि आप परमात्मा के साम्राज्य में, इसको ही त्यागना है। और वो त्यागने के लिए बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप सबसे पहले ध्यान धारणा में, निर्विचारिता में जाए। जब आपके मन में विचार आता है तो उस विचार ही के माध्यम से आपके ये पिछले किए हुए कहना चाहिए घर घरौंदे आपको घेर लेते हैं। जितनी देर आप निर्विचारिता में बैठ सकेंगे उतना ही आपका वृक्ष बढ़ेगा। निर्विचारिता में ही आत्मिक वृक्ष बढ़ता है और कोई ऐसा वातावरण नहीं जिसमें ये इसकी वृद्धि हो सकती। कोई कहेगा कि हमने खूब बैठ के माँ के भजन गाए, उसे कोई कितना भी भजन गाए, कोई कितने भी मंत्र कहे, चाहे कुछ कह ले, उस मंत्रों से या उस भजन से अगर आपके अंदर निर्विचारिता स्थापित नहीं होती तो आप चूक गए उस बात को। बहुत से लोग हैं, हमने देखा, अभी एक देखा हमने, हरे रामा होरे रामा होरे रामा, पागल की जैसे सारी दुनिया दौड़ रही, अभी कहाँ जा रहे, एक मनोरंजन करते हुए सारे दौड़े जा रहे हैं, हरे रामा, उससे क्या मिलेगा? उससे किसी को कुछ मिला? किसी में कोई परिवर्तन आया? कोई उनमें अच्छाई आई? सिर्फ आपने बजाय इसके कि आप इस तरह के कपड़े पहने के कुछ और कपड़े पहन लिए, और रास्ते में आप दौड़ते घूम रहे चिल्लाते हुए हरे रामा हरे कृष्णा, आपके अंदर कृष्ण की कोई चेतना आई है? कृष्ण की चेतना है कि आप साक्षी स्वरूप हो जाते, क्या आप साक्षी स्वरूप हो गए? फिर इस तरह की बाह्य चीज़ों में उलझ जाने से भी मनुष्य कभी कभी अपनी ऊर्ध्वगामी गति को बदल करके अधोगामी पर आ सकता है। जैसे एक छोटी सी चीज़ मैंने आपसे बताई, मनोरंजन। मनोरंजन सहयोग में मना नहीं है, लेकिन मनोरंजन ऐसा होना चाहिए कि जिससे आप में निर्विचारिता स्थापित हो। लेक्चर ऐसा होना चाहिए जिससे आप में निर्विचारिता स्थापित हो। मंत्र ऐसे कहना चाहिए जिससे आपके अंदर निर्विचारिता स्थापित हो। ध्यान ऐसा होना चाहिए जिससे आपके अंदर निर्विचारिता आनी चाहिए। कोई सा भी कार्य करते वक्त अगर आप निर्विचार हो जाएं तो सारी परमात्मा की शक्तियां आपके अंदर से कार्यान्वित होंगी। तो सबसे पहली बात है कि निर्विचारिता में उतरना चाहिए। लेकिन लोगों को ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं जिसमें विचार को चालना मिले, जिसमें मनुष्य सोचता रहे, पागलों जैसे सोचता सोचता उसको समझ ले कि आह हा हा मैंने कितना सोचा, या पढ़ते पढ़ते एकदम ऐसा सोच ले कि हाँ मैं तो बिल्कुल महाविद्वान हूँ। इन विद्वानों के लिए परमात्मा के साम्राज्य में जगह नहीं, जगह है उन लोगों के लिए जिन्होंने